स्मिता स्मिता उठो स्मिता उठो उठो स्मिता, क्या हुआ बेले? मयूर कहाँ है? मयूर कहाँ है? यही तो सो रहा था बेले। मयूर कहाँ है? मयूर डॉक्टर बच्चा डॉक्टर बेले डॉक्टर बेले मेरा बच्चा डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ मिस्टर बेले? आप इतना चिल्ला क्यों रहे? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? मेरा बेटा कहाँ है? नर्स इनका बच्चा कहाँ है? चलो पता नहीं मैम, अभी अभी तो यही था इनका बच्चा। पता नहीं ऐसे कैसे पता नहीं? आप लोगों ने ख्याल रखना चाहिए था ना। प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढिए, विनय मेरा बच्चा। जाइए ढूंढिए, जाइए बच्चे को ढूंढिए। विनय मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को ढूंढिए। स्मिता स्मिता क्यों? डॉक्टर देखिए क्यों? स्मिता स्मिता रेडी करो जल्दी। देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हैं, संभालिए अपने आप को। ये यहाँ की सिक्योरिटी का इंचार्ज है। कौन ले गया इनके बच्चे को? मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं साहब? मालूम नहीं साहब कहने से काम नहीं चलेगा, समझे? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा था। मैंने किसी को भी इनके बच्चे को हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हुए नहीं देखा साहब। अगर तुमने किसी को ले जाते नहीं देखा तो बच्चा हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। बच्चा हॉस्पिटल में नहीं है, बच्चा हॉस्पिटल से बाहर ले जाया गया है तुम्हारी आंखों के सामने। सर ये रहा यहाँ का विजिटर्स रजिस्टर। आज 5 लोग आए थे विनय और स्मिता से मिलने। एक्सक्यूज मी, आप जरा ये रजिस्टर देखिए। ये 5 लोग आज आपसे मिलने आए थे, इनमें से किसी पे शक है आपको? सर ये सब तो हमारे दोस्त और रिश्तेदार। हाँ सर, और जब ये लोग यहाँ आए थे तब विनय यहीं थे। जब मयूर किडनैप हुआ था तब विनय घर गए थे कुछ सामान लाने के लिए। मतलब किडनैपर पर नजर गड़ाए बैठा हुआ था, जैसे ही मौका मिला बच्चे को लेकर चला गया। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा, भूखे पेट कैसे रह रहा होगा। अभी 2 दिन पहले जन्म हुआ हमारे मयूर का। इतने छोटे बच्चे को अपनी माँ से जुदा करने का पाप कोई कैसे कर सकता है? जिस किसी ने भी ये घिनौना पाप किया है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, आप लोग भरोसा रखें। हॉस्पिटल में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सबकी फुटेज देखनी है मुझे। अब देखते हैं वो किडनैपर कैमरे को चकमा देके कैसे गया होगा। विनय के कमरे से जाने के बाद का फुटेज दिखाओ। ये रहा विनय। और फॉरवर्ड करो, देखें इस नर्स के अलावा और कौन कौन आया कमरे के अंदर। मतलब वो बच्चा ये नर्स लेके गई है। जरा रिवाइंड करो, नर्स की फुटेज फिर से दिखाओ। नर्स जरूर उस बच्चे को इसी ट्रॉली में लेके गई होगी जिसे उसने कपड़े से ढक के रखा हुआ है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ की नर्स ऐसा काम कर ही नहीं सकती। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज झूठ बोल रही है क्या? कोई नर्स गायब है यहाँ से? नहीं सर, सारी नर्सेस अपनी ड्यूटी पे हैं। चेहरा भी नहीं दिख रहा है इसका,
बच्चा लेके ही हॉस्पिटल से बाहर गई होगी। हॉस्पिटल के गेट पे जो कैमरा लगा है ना, उसकी फुटेज दिखाओ। कमाल है, कोई भी नर्स हॉस्पिटल से बाहर गई नहीं। जरा उस नर्स का फुटेज फिर से दिखाना। ज़ूम करो इस पे। इसने बैज नहीं लगाया हुआ है। डॉक्टर, आपके हॉस्पिटल में ऐसी भी नर्सेज हैं जो बैज नहीं लगाती? नहीं, हमारे यहाँ सारी नर्सेज अपना बैज लगाती हैं। मतलब ये लड़की बाहर से आई थी, आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए इसने नर्स का ड्रेस पहन रखा था। इसका मतलब ये नर्स कपड़े बदल के गेट से बाहर निकल गई है। जरा गेट वाला फुटेज फिर से दिखाना। एक मिनट, जरा रिवाइंड करो। और बस पॉज। इस हॉस्पिटल में सिर्फ यही एक औरत आई है बच्चा लेके, और बच्चा लेके गई है। ज़ूम करो इस पे। अब जरा उस नर्स का फुटेज निकालो इसी स्क्रीन पे। अब इस पे भी ज़ूम करो। देखा, दोनों ब्रेसलेट एक ही है। मतलब अंदर आते वक्त इस लड़की ने हाथ में बच्चा होने का सिर्फ नाटक किया था, और बाहर जाते समय असली बच्चा लेके गई मयूर को। जरा विनय और स्मिता को लेके आओ यहाँ पे। सर, इस लड़की का चेहरा दिखाओ जरा। समझ गई। आइए, ये देखिए, इस लड़की को पहचानते हैं आप लोग? कौन है ये? पहले कभी नहीं देखा। स्मिता जी, आपने देखा पहले? नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। प्लीज सर, आप जरा ध्यान से देख के बताइए, क्योंकि हमें शक है कि आपके बेटे मयूर को ये औरत अपने साथ ले गई है। क्या मेरा मयूर इसके पास है? लेकिन इसने ऐसा किया क्यों? हम तो इसे जानते तक नहीं। अगर दुश्मनी निकालने के लिए नहीं किया है तो फिर पैसों के लिए ही किया होगा। देखते हैं ये लड़की आपको पैसों के लिए कब फोन करती है। फिर ये काम करो, इन लोगों के फोन टैप कर लो। यस सर, और इस लड़की की फोटो भी अखबार में छपा देता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इस लड़की की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भिजवाओ, देखते हैं क्या पता चलता है। बच्चा सिर्फ 2 दिन का था सर, इतने छोटे बच्चे को किडनैप कर लिया, इन मुजरिमों के सीने में जैसे दिल होता ही नहीं। किसी भी हालत में हम उस बच्चे को ढूंढ कर ही रहेंगे, किसी भी हालत में। कोई पुराना रिकॉर्ड है इस लड़की का? नहीं सर, लगता है ये पहला जुर्म है इसका, इससे पहले कोई गुनाह नहीं किया इसने। सर, इस गुनाह में हॉस्पिटल का कोई आदमी जरूर शामिल है, वरना उसे पता कैसे चलता कि विनय वहां से निकल चुका है। जरूर हॉस्पिटल का कोई ना कोई तो उसके साथ शामिल था, इसीलिए तो वो 10 मिनट के अंदर अंदर उस बच्चे को लेकर भाग गई। जरूर उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है स्मिता और विनय से, वरना वो सिर्फ उन्हीं के बच्चे को क्यों चुराती? और स्मिता ने उसे पहचाना भी तो नहीं है। कौन ये गुमनाम लड़की है? कौन सर? इस गुमनाम लड़की का नाम मेघा है, और ये ज्योति नगर में रहती है। और क्या पता चला इसके बारे में? सर, एक बहुत ही अजीब बात पता चली। वो क्या? सर, ये मेघा अपने पति विशाल से बहुत परेशान है, यहाँ तक कि इसने विशाल के खिलाफ ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई। ये उसकी कॉपी।
ओहो, ये विशाल मेघा को मारता पीटता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल और मेघा की अपनी कोई संतान नहीं और इसी बात को लेके ये विशाल मेघा को मारता पीटता था तो मेघा ने सोचा कि क्यों ना बच्चा किडनैप कर लिया जाए। हो सकता है, विशाल से मिलना पड़ेगा। विशाल ध्यान से सुनो, मयूर मेरे पास है। नहीं, स्मिता ने मुझे नहीं देखा, तब मिल सकते हो। क्या सीआईडी? सीआईडी तो क्या, सीआईडी का बाप भी हमें नहीं ढूंढ सकता है। मैं चिराग नगर बंगलो नंबर 99 में जा रही हूँ। मैं वहां पहुंचकर फोन करती हूँ। कछुए की स्पीड में चला रहे हो, थोड़ा जल्दी चलाओ ना। जी कहिए, मेघा जी घर के अंदर है क्या? नहीं। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं उसका पति हूँ। उसने मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई है। मैंने मेघा को कभी परेशान नहीं किया। कमाल है सर, हमने तो अभी तक एक भी सवाल नहीं पूछा और ये कबूतर गुटरगू करने लगा है। कहाँ है मेघा? मेघा को बुलाओ। वो तो यहाँ रहती नहीं है, 2 महीने पहले ही घर छोड़ के चली गई। अंदर जाके चेक करो। अच्छा, मेघा घर छोड़ के गई क्यों थी? पता नहीं मेघा को क्या हो गया था, उखड़ी उखड़ी रहती थी और उसने पता नहीं मेरे खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखा दी पुलिस में। तुमने कुछ किया होगा, वरना पुलिस में क्यों जाती? नहीं सर, सर मैं मेघा से प्यार करता हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा सर। सर मेघा अंदर नहीं है। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना सर? विनय और स्मिता को जानते हो? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कौन है ये लोग? ये है दोनों। नहीं सर, मैं नहीं जानता। तो शायद मेघा जानती होगी, इन दोनों का नाम तो सुना होगा तुमने मेघा के मुंह से। लेकिन सर बात क्या है? बात बहुत सीरियस है मिस्टर विशाल। तुम्हारी पत्नी मेघा, उसने इन दोनों के बेटे मयूर को किडनैप किया। क्या? ये आप क्या कर रहे हैं? मेघा कोई मुजरिम नहीं है सर, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। अच्छा ये बताओ कि आपसे अलग होने के बाद वो कहाँ रह रहे थे? पता नहीं सर, उसके माँ बाप का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। उसकी एक फ्रेंड है श्वेता, जब कभी भी वो अपसेट होती थी तो उसी से मिलने जाती थी। कहाँ रहती है श्वेता? सिविल लाइंस में। आखिरी बार कब मिले थे तुम मेघा से? 2 दिन पहले ही वो घर पे आई थी, काफी परेशान लग रही थी। तुमने पूछा नहीं वो परेशान क्यों थी? पूछा था सर, लेकिन वो सर मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। सर मैं उसका पति हूँ, लेकिन वो मुझसे क्या बोली? खबरदार जो मुझसे एक भी शब्द निकला तो। सर मैं चुप हो गया। ये अच्छा किया तुमने, जब वाइफ का मूड खराब होता है तो उससे पंगा लेना आत्महत्या करने जैसा होता है, समझे? चुप रहो। क्यों आई थी मेघा यहाँ पर? वो भी पता नहीं सर, आते ही वो सीधे कमरे में गई और अलमारी खोल के कुछ ढूंढने लगी। अलमारी? क्या क्या ढूंढ रही थी वो भी नहीं पता सर, मेरी तो कुछ हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। मैं तो दुबक के कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो अलमारी बंद करके चली गई। दिखाओ जरा वो अलमारी।
ये फटा हुआ फोटोग्राफ मिला कबर्ड में, इसके अलावा कोई अजीब चीज तो नहीं मिली। क्या ये किसकी फोटो है? सर ये भी मुझे नहीं पता। सर ये भी तुम्हें नहीं पता? सर कि ऐसा तो नहीं कि मेघा अलमारी में यही फोटो ढूंढने आई थी और उसी ने ये जानबूझकर फाड़ी ये फोटो? अभिजीत कोई तो खास बात जरूर है इस फोटो में, कोई तो खास बात जरूर है जो मेघा ने इसे इतनी अच्छी तरह से संभाल के रखा है। सिर्फ संभाल के नहीं रखा सर, इस फोटो में चेहरे फाड़ दिए हैं सबके, इसी चीज पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है ये। क्या हो सकता है अभिजीत, क्या हो सकता है? सर सर मेघा की सहेली श्वेता के घर से आ रही है। तो क्या बताया श्वेता ने मेघा के बारे में? सर श्वेता घर पे है ही नहीं, वो पिछले दो दिन से पुणे में है, कल वापस लौटेगी। श्वेता घर पर ही नहीं है। विनीत थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास दो। फोटो में अभिजीत देखो पीछे बैकग्राउंड में, पीछे मतलब कोई बैनर टंगा हुआ है और उस पर बचे तीन अल्फाबेट्स ION और नीचे नवंबर 2011। मतलब ये फोटोग्राफ पिछले साल नवंबर में खींची गई थी? हाँ पिछले साल नवंबर 2011। उस तरीके से कपड़े पहने लोगों ने, हाथ पे गिलास है, ये तो किसी पार्टी की फोटो है सर। और ये पार्टी किसी खुली जगह पे हुई है, ये देखिए कोई लॉन कोई गार्डन वगैरह में। किस तरह की पार्टी हो सकती है? ION कोई ऐसा शब्द जो ION से एंड होता है। रीयूनियन हो सकता है सर, RUNION। वाकई रीयूनियन पार्टी तो होती है। काम पर पता लगाओ पिछले साल नवंबर 2011 में किन किन खुली जगहों में और गार्डन में ऐसी रीयूनियन पार्टी हुई थी क्या। Excuse me. Good afternoon, sir. मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? आपके इस पार्टी हॉल में पिछले साल नवंबर में एक कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हुई थी। एक मिनट सर। हाँ सर एक कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हुई थी। बस तो फिर उस पार्टी में जितने भी लोग आए थे उन सब की लिस्ट चाहिए हमें। सॉरी सर ये सारी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। CID को भी नहीं? CID यहाँ पे क्या बात है ऑफिसर्स, कोई प्रॉब्लम? सर ये लोग पिछले साल हुई एक पार्टी की गेस्ट लिस्ट मांग रहे हैं। हाँ तो दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है, दे दो। जी सर। माय गॉड दैट, देखा विनय का नाम है इस लिस्ट में। सर इसका मतलब ये विनय और मेघा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। यानी विनय मेघा को जानता था, तो फिर उसने हमसे झूठ क्यों बोला कि वो मेघा को नहीं जानता? भाई तो झूठ क्यों बोला उसने? ये विनय जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है दया, जरूर हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। सचिन एक काम करो, इस विनय के पीछे परछाई की तरह लगे रहो। Thank you.
सर विनय ने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी और गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रहा है। ओके सर। ये विनय चिराग नगर के बंगला नंबर 99 में घुसा है सर। आइए आइए विनय जी। शाबाश। अगर हर नागरिक आपकी तरह मुजरिमों से खुद जूझने लगे तो समाज में तो सीआईडी की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। क्यों सर आप सब लोग यहाँ पे? मैं आपको बताने वाला था सर। बताने वाले थे? कब बताने वाले थे? मुजरिम के हाथ से निकल जाने के बाद। मेघा कहाँ है? अंदर है? सर अंदर कोई नहीं है सर। कोई नहीं? तो ये मयूर को तुम्हें किसने दिया? खून? हाथ में खून कहाँ से आया तुम्हारे? क्या हो रहा है अंदर? पूर्वी बच्चे को ले लो। कहाँ है मेघा? चलो। अच्छा निकल, ध्यान रखो इसका। सचिन मेघा की लाश पड़ी है अंदर। मयूर को पाने के लिए तुमने मेघा का खून कर दिया है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूं। मैं जब यहां पहुंचा तो मेघा पहले से मरी पड़ी थी। पहले से मरी पड़ी थी? तो फिर तुमने हमें अंदर आने से रोका क्यों? सर मैं डर गया था, मुझे लगा आप लोग मुझ पे शक करोगे, इसलिए। शक की सुई अभी भी तुम्हारे ऊपर है। तुम जरा पीरो चलो, बहुत सारे सवालों का जवाब चाहिए हमें। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तुम मेघा को अच्छी तरह से ही जानते थे है ना? एक ही कॉलेज में जो पढ़ते थे तुम। सर अब आपको सब कुछ पता चल गया तो फिर क्या बोलूं मैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मुझसे अपनी बीवी से इतना बड़ा झूठ बोला। उसने हमारे बच्चे को किडनैप किया था, फिर भी तुम्हें मयूर की चिंता नहीं हुई? मयूर को सही सलामत ले आए ना तुम्हारे पास? हाँ, मेघा को मारने के बाद अगर हमें बता दिया होता तो खून हाथ में लेना नहीं पड़ता।
सर आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि मैंने मेघा की पहचान छुपाई आप लोगों से, लेकिन मैंने उसे वाकई नहीं मारा। नहीं मारा तो इतनी बड़ी बात हम लोगों से क्यों छुपाई कि मेघा को नहीं जानते हो तुम? सर मैं सिर्फ अपना हंसता खेलता घर बचाना चाहता था। मेघा मेरा अतीत थी और स्मिता मेरा आज। मैं बस ये चाहता था कि मेरा गुजरा हुआ कल मेरे आने वाले कल पर बुरा असर न डाले। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे गुजरे हुए कल में, जरा हम भी तो सुने। सर कॉलेज के दिनों में मैं और मेघा एक दूसरे से प्यार करते थे। क्या? हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, मगर घर वालों की मर्जी नहीं थी, इसलिए मैंने स्मिता से शादी कर ली और उसने विशाल से। नवंबर 2011 में रीयूनियन पार्टी में तुम मेघा से फिर से मिले। हाँ सर, उस पार्टी में उसने मुझे फिर से प्रपोज किया, मगर मैं स्मिता को धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसे कहा कि ना तो कभी मुझे फोन करे और ना कभी मिलने की कोशिश करे। इसीलिए तुम्हें जबरदस्ती पाने के लिए मेघा ने मयूर को किडनैप किया? हाँ शायद यही वजह होगी सर। और हाँ सर, कॉलेज की रियूनियन पार्टी के बाद एक आदमी मुझे धमकी देने आया था। धमकी? कैसी धमकी? उसने मुझे बोला कि मेघा से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। तुमने पुलिस को ये बात क्यों नहीं बताई? सर मैं तो उससे वैसे भी दूर ही रहना चाहता था, तो सोचा बेकार में बात का बतंगड़ क्यों बनाऊं। तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, ये तो चाकू ही बताएगा जिससे मेघा का खून हुआ। अरे क्या बचपन है डॉक्टर साहब, एविडेंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। और नहीं तो क्या, आपको कोई और चाकू नहीं मिला फल काटने के लिए? हा? जिस चाकू से मेघा का खून हुआ उसी को इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? हो गया तुम लोगों का, अब मैं कुछ बोलूं? ये तरबूज मैं खाने के लिए नहीं काट रहा हूं, बल्कि ये पता करने के लिए काट रहा हूं कि खूनी ने आखिर इस चाकू से खून किया किस तरह से। तो पता क्या चला आपको? पता ये चला कि चाकू यहां तक घुसा है बॉडी में, और ये चाकू कितना धारदार है, और जिस तरीके से चाकू घुसा है बॉडी में उससे तो बहुत साफ पता लगता है कि खूनी कोई प्रोफेशनल है, पेशेवर, और खूनी ने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है मेघा को मारने की, तभी तो ये चाकू एक झटके से घुस गया बॉडी में। और खूनी ये विनय? नहीं अभिजीत, विनय के उंगलियों के निशान चाकू पे नहीं है। हो सकता है उसने लाश से चाकू निकालकर निशान मिटा दिए हो। नहीं पूर्वी, ऐसा नहीं हुआ है। आप लोगों ने बताया था कि विनय 11 बजे आया था उस घर में। करेक्ट, लेकिन मेघा की मौत तो 10 बजे हुई है, विनय के उस घर में आने से एक घंटा पहले। इसका मतलब इस केस में दो दो अपराधी है। एक अपराध तो इस मेघा ने किया है किडनैपिंग का, और दूसरा अपराधी वो है जिसने मेघा का खून किया। हमें इस दूसरे अपराधी को ढूंढना है। दूसरा अपराधी मेघा का खूनी अच्छी तरह से जानता था कि मयूर वो बच्चा मेघा के पास था, और मेघा ने विनय को कहां पर मिलने बुलाया था। हाँ सर, इससे पहले कि विनय मेघा से मिल पाता, खूनी ने मेघा का काम तमाम कर दिया ताकि सारा शक विनय पे आ जाए। दे अच्छी तरह से मेघा को जानता था, इतनी अच्छी तरह से कि मेघा की हर एक हरकत भी उसे पता थी। मगर कौन हो सकता है ये इतना करीबी? सर मेघा का पति भी कह रहा था कि मेघा की सबसे करीबी दोस्त थी श्वेता। श्वेता? श्वेता? ये श्वेता तो आज पुणे से आने वाली थी ना? हाँ सर। श्वेता, पता लगाना पड़ेगा मेघा के कितने करीब थी ये श्वेता। मेघा मेरी सहेली ही नहीं, बल्कि उसे तो मैं अपनी छोटी बहन जैसा मानती थी। क्या चाहती थी वो? एक खुशियों से भरी अच्छी जिंदगी, पर क्या मिला उसे? एक दर्द भरी मौत। मेघा के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर आप मेघा के खूनी को सजा दिलवाना चाहती हैं, तो हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जी पूछिए। क्या ये सच है कि मेघा का पति विशाल उसे मारता पीटता था? बिल्कुल नहीं,
विशाल तो मेघा से बहुत प्यार करता था, अपनी पलकों पर बिठा कर रखता था वो। आज तक मैंने किसी भी पति को अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हुए नहीं देखा। अगर विशाल मेघा को इतना चाहता था तो मेघा ने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई थी? क्योंकि वो नादान थी, वो विनय से बहुत प्यार करती थी और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। तो इसलिए मेघा ने मयूर को किडनैप किया ताकि जोर जबरदस्ती से वो विनय को अपने पास बुला सके। ऐसा करने के पीछे उसका क्या इरादा था ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि कभी उसने ये बात मुझसे शेयर नहीं की। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से मेघा का बर्ताव कैसा था? क्या किसी बात को लेकर वो परेशान रहती थी? जी हाँ, एक दिन मैं मेघा के साथ विनय से मिलने गई थी और वहाँ एक गुंडा आया था। विनय उससे कुछ बातचीत कर रहा था। गुंडे ने विनय से बात की? क्या बात की? पता नहीं, मैं उनकी बात सुन तो नहीं पाई क्योंकि वो उसे बाहर ले जाकर बात कर रहा था। पर इस घटना के बाद से मेघा बहुत परेशान रहने लगी। सर, विनय बता रहा था कि उसे धमकाया गया था, हो सकता है वो इसी गुंडे की बात कर रहा हो सकता है। अच्छा, वो गुंडा दिखने में कैसा था कुछ याद है आपको? जी हाँ, याद है। वेरी गुड, आप एक काम करिए, आप हमारे साथ CID ब्यूरो चलिए, उस गुंडे का स्केच बनवाइए आप। यही है वो गुंडा जिसने विनय को धमकी दी थी। आपको पूरा यकीन है यही था वो? जी सर, शक की कोई गुंजाइश नहीं है, यही था वो। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, आप जा सकती है, अगर जरूरत पड़े तो आपको बुला लेंगे। पूरी देखो जरा, ये कोई पुराना पापी है क्या? ये तो पुराना मुजरिम ही है, कालिया है इसका नाम। कालिया? 2 साल पहले गिरीश नाम के आदमी का खून किया था। हाँ सर। कालिया 2 साल पहले खून किया था, बस अभिजीत दया अपने अपने खबरियों को काम पर लगा दो। साहब बताता हूँ, वही घर है साहब, ओसीडी वाला। ये सामने? जी जी वही। खबर पक्की है ना? आपका कबूतर आपको वही मिलेगा साहब। देख हीरा, अगर वो आदमी नहीं मिला ना तो तेरा क्या हाल होगा मालूम है ना? हीरा नाम है साहब, और हीरा की खबर हीरे से ज्यादा कीमती है साहब। क्या बात है, चल निकल। ओके सलाम साहब।
पहचानता है इसे? ये तो मैं। अंदर कौन है? जी वो कौन है? संभालो निकल, उधर देखो। रुक सर। तो विनय का ड्राइवर है ना? हाँ सब। शर्म नहीं आई है? मालिक के साथ नमक हरामी करते हुए शर्म नहीं आई? साहब मैं तो नमक का कर्ज ही अदा कर रहा था साहब। नमक का कर्ज अदा कर रहा था? क्या मतलब? मीता जी, आप लोग यहाँ? या कुनी का पता चल गया, सोचा आपको उसका नाम भी बता दें। कौन है वो? कालिया नाम है उसका। कालिया? सर जो भी हो उसे फांसी पर जरूर चढ़ाना। हाँ उसे फांसी पर तो हम जरूर चढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसे भी फांसी पर चढ़ाएंगे जिसने कालिया को पैसे दिए थे मेघा का खून करने के लिए। कौन है वो? वो तुम हो, तुम। मैं? ये क्या बोल रहे हैं आप सर? ये झूठ है, बकवास है। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे माफ कर देना मालकिन, सीआईडी के सामने मैं सच्चाई को ज्यादा देर तक पेट में नहीं दबा सका। मैंने जो कुछ भी किया विनय की बेवफाई का बदला लेने के लिए किया। मेरी बेवफाई? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? मुझे पता चल गया था कि तुम मेघा से प्यार करते हो। हे भगवान, मेघा मेरा अतीत थी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। उस वक्त मैं गुस्से की आग में जल रही थी। उसी आग को शांत करने के लिए तुमने ये प्लान बनाया है ना? हाँ सर, कालिया ने मेघा से जाकर कहा कि वो मयूर को मार डालेगा, और मैं जानती थी कि ये बात सुनकर मेघा मयूर को बचाने जरूर आएगी। और जब मेघा मयूर को लेकर किसी सुरक्षित जगह जा रही थी तो तुम्हारा ड्राइवर लगातार उसका पीछा कर रहा था, क्यों? हाँ सर, परफेक्ट प्लान था। मैंने सोचा मेघा मर जाएगी, विनय को फांसी हो जाएगी, और क्योंकि ये मेरा बच्चा है मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। तरस आता है मुझे तुम पर, जो अपनी हंसी खेलती जिंदगी में आग लगा दी, अपने बच्चे का इस्तेमाल किया ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए। अगर तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो शायद ये तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा अपना बच्चा मयूर, वो ही तुम्हें बचा सकता है फांसी के फंदे से। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.